All right, but मैं अपने बारे में इससे पहले बताऊँ और हाउ आई एम लुकिंग इन द शो. आई गॉट अ गुड फीडबैक. गाइज प्लीज थोड़ा सा इफ यू कैन पीछे वाले जस्ट प्लीज. All right, so before I could tell about myself, here we are introducing Kamal Kumar. ये इसका song है. It's his launch and I think he has done a great effort into launching himself. Exactly. So ये Kamal का launch है. So I'm glad that I am just being with him in this journey and congratulations to you. Thank man. You. You want to say something? कैसा लगा तुम्हें? चलो यहाँ से बताओ. अच्छा लग रहा है. बाकी अच्छा लग रहा है. एक शुरुआत है मेरी. एक हाँ जी मैम एक शुरुआत है मेरी. बाकी ठीक है, आगे आगे धीरे धीरे चलता जाएगा. सफर है तो बाकी आप लोगों ने गाना देखा ही होगा. कैसा लगा गाना जर्नी? गाने के पहले मैंने सर से मिला था, कमल जी से. तो सर ने बताया था ऐसा कहीं कुछ इनका ऑडिशन का कुछ चल रहा था तो मैं वहाँ पे गया था. तो सर से मिला तो मैंने बताया ऐसा ऐसा मैं ऐसा कोई मेरे लिए काम है तो बताओ क्या है कैसा है. तो सर ने बोला ठीक है. उस वक्त तो उन्होंने मुझे बोला हाँ ठीक है. उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था. तो उसके एक महीने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा एक शो ऐसा ऐसा है. तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, ये है वो है. तो मुझे समझ में आया तो बोले कर लोगे? मैंने कहा हाँ सर, आप क्यों नहीं कर लूँगा. तो उन्होंने मुझे बुलाया, ऑडिशन वगैरह लिया एक दो बार. फिर फाइनली जाके फिर वो मुझे सेलेक्ट किए. तो जाके उसके फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ. आई नो. सो एवरी हर बार एक सॉन्ग रिलीज होता है ना तो सबसे पहले ये पूछते हैं कोई नया सीरियल आया क्या. सो मैनी पीपल डोंट इवन गेट टू नो कि एक म्यूज़िक वीडियो एंड द बिगेस्ट चार्म ऑफ दैट म्यूज़िक वीडियो इज़ दैट वो फिल्म टाइप में शूट होता है एंड यू नो इट्स अ स्टोरी टेलिंग है ना. तो और कमल सर ने बहुत ब्यूटीफुली शूट किया एंड आई रिमेंबर वहाँ पे हम वलोड में शूट कर रहे थे. मेरा फर्स्ट टाइम था वहाँ पे. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गांव बट आई आल्सो रियलाइज्ड कि वहाँ पे शूट करना इजी नहीं था. हमको कैंसिल भी करना पड़ा था एक दिन. सो वहाँ पे फर्स्ट डे जब शूट हुआ तो शाम को आई थिंक कि किसको क्या लगा वो ना बाउंसर्स और पूरी एक सिक्योरिटी बुलाना भूल गए. तो वहाँ इतनी भीड़ लग गई कि मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे हिल रही है यू नो. एंड वो फाइनली आई थिंक कैमरा भी इशू हो गया था एंड वहाँ पे वो रैप अप करना पड़ा एंड हिज फेस फेल एंड ही वाज सो डिसअपॉइंटेड कि ये शूट कैसे कंप्लीट होगा क्योंकि दिन लिमिटेड होते हैं, एक या दो दिन होते हैं और बहुत कुछ शूट करना पड़ता है. बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट ही पुल्ड आउट अ वेरी ब्यूटिफुल वीडियो. ही शॉट रियली वेल और आई रियली लाइक हाउ आई एम लुकिंग इन द वीडियो ओनली बिकॉज ऑफ हिम बिकॉज इट्स अ डायरेक्टर यू नो हु शूट्स यू लाइक दैट. और वीडियो और सॉन्ग आई ऑलवेज लव्ड इट. मतलब अखियाँ द घर इज अ वेरी पेपी एंड अ वेरी कैची नंबर. और ऑफकोर्स आई थिंक कमल के आने से कमल खिल गए उस में. दो कमल खिल गए. दो कमल, कमल एंड कमल. राइट. स्टोरी में बता, स्टोरी क्या. मैं जब अलीगढ़ में था तो एक सुनी थी हमने कहानी है कि एक ऐसे ही लड़का था जो एक बहुत अमीर लड़की से प्यार करता था. तो लड़की को पहले कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर उसके बाद में उसको मतलब वही फिर वो प्रपोज मार देते. जो हमारी स्टोरी है म्यूजिक वीडियो के अंदर सेम वो एक असली कहानी है अलीगढ़ की, जो अलीगढ़ में रहता था. तो बाद में फिर उस लड़की का वही हुआ जो हमने वीडियो में दिखाया है. तो उसको दिमाग में तभी से था कि कुछ इस स्टोरी के ऊपर बनाना है. तो वैसे ही मैंने सोचा फिर बनाया. उसमें वही चाहिए था, एक सिंपल सा लड़का, एक मतलब डी ग्लैम लुक निया वैसा कुछ चाहिए था. ठीक है, एक तो कुल मिला के बहुत अच्छी स्टोरी निकल के आई. I wouldn't say it's a de-glam look. It's just that not many people see me as this suit-wearing girl. Or वो de-glam नहीं है. It's our Indian. It's a very traditionally beautiful Indian girl. जैसे कैसे सूरत और अपने ये tier one, tier two की simply dressed, but बहुत सुंदर लड़कियाँ होती हैं वो. You know, they're उनकी simplicity is what attracts people. So I think I looked like that and it wasn't a de-glam look and I enjoyed every bit of it because बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब आपको ऐसे shoots करने का मौका मिलता है. एंड आई एम enjoying my ये music video culture and the number of shoots that I'm doing. और कमल के बारे में I'm sure इतना कुछ मैं नहीं जानती थी. मैं पहली बार उसको shoot पे ही मिली थी और मुझे लगा भी नहीं था कि अच्छा ये shoot है कर रहा है. So he was so nervous, he was so, you know, he didn't know anything. So it was just iski handhold, you know, like a baby, you have to handhold him and tell him things. So sir was trying hard. I also told him, but he was very cooperative and he was ready to learn a lot of things.
सो निया के साथ एक्सपीरियंस निया ने रियली निया ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया इसको निया ने तो बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया ऐसे करके मुझे ना बहुत नर्वसनेस थी कि मैं कैसे करूँगा क्या नहीं करूँगा और मैं कभी निया से मिला भी नहीं था तो मुझे ये हो रहा था कि निया आएगी मैं कैसे रिएक्ट करूँगा फिर भी फाइनली अच्छा ही कुछ हुआ और निया ने अच्छा कोऑपरेट किया बहुत सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एक कुछ ऐसा सीन था जहाँ पे बारिश वाला जो सीन है वहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी सुबह के मॉर्निंग के 4 या 5 बजे हमने शूट किया था तो वो ठंड की वजह से मेरी बॉडी बहुत काँप रही थी काम नहीं कर रही थी कि कैसे करूँ मैं तो फिर जाके फाइनली निया ने मुझे समझाया ऐसा ऐसा ये चीज़ें बहुत मोटिवेट किया तो फिर जाके वो सीन तो आप लोगों ने देखा ही कैसा लगा वर्कशॉप हुई थी बाकी और वीडियो की बात करें तो लोग वैसे भी बनाते हैं ये है पर ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा उन्होंने मतलब उनकी बताते बता उन्होंने मुझे स्टोरी बताई तो उसके बाद मुझको लगा कि ऐसा कुछ फिल्म जैसा कुछ लग रहा है तो मैंने कहा ठीक है सर कर लूँगा करूँगा फिर उन्होंने वर्कशॉप लिया उसके बाद प्रॉपर तरीके से लेकिन उस कैरेक्टर को मैंने निभाया अब आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे मैंने निभाया है बाकी आई वॉज सरप्राइज वो उस पूरे सॉन्ग मैंने इट वॉज अ स्टोरी टेलिंग सो देर वॉज नो हुक स्टेप अब मुझे लगता है आई थिंक बाद में इसका या सेपरेट चंक्स ऐड किए हैं जहाँ पे अखियां दघर इसने किया I caught that step. मैंने खुद वो मैं बारिश में कहीं भीगी थी आई वेंट समवेयर तो मैंने भी वो स्टेप किया यू नो और अब हम फाइनली जब हमने आज रील्स बनाई हैं वी ऑल caught दिस स्टेप यू नो सो टेक्निकली somebody who we think कि इसको नहीं आता या फिर he was nervous or anything, but imagine for a song like that, he ended up creating that hook step for us, you know. So it's a good thing, right? उसकी भी कहानी बड़ी एक छत मिली हमको शूट करने के लिए बोला कि हाँ आराम से शूट करो कोई टेंशन नहीं है दिक्कत नहीं है आप आराम से करो 2-3 घंटे करो हम लोग पहुँच गए पूरा सेटअप लेके ऊपर पहुँच गए 10 मिनट बाद करते भागो यहाँ से भागो नहीं शूट नहीं करना शूट नहीं करना मैं बोला भाई फिर मैंने बोला कमल तू कुछ भी कर अब ये मैंने हुक स्टेप ये खुद निकाल खुद ही कर दिया और उसके बाद ये बाएं मैं खुद भी छत पे कूदने लगा यहाँ वहाँ मैं 4-5 बार गिर भी गया फिर भी मैंने कहा सर फटाफट 10 मिनट में जो भी मिलता है ले लो आप मैंने जब तुझे डांस आता है ना वैसे कर फिर इसने अच्छा निकल गया फिर चंक हम लोगों ने निकाल लिया अरे वहाँ पंगा हो जाए अगर 10 मिनट हम लेट कर देते तो पंगा हो जाता बोलो भागो यहाँ से यहाँ शूट अलाउड नहीं है लेकिन फाइनली बहुत अच्छा शूट हुआ आर यू हैप्पी आई एम सो हैप्पी बट यू लुक सो नाइस यार थैंक यू किसने सोचा था उस वीडियो को शूट करते हुए ऐसा आई मीन यू लुक एट अ पर्सन एंड से ये ओके ऐसे वैसे बट यू नो लुकिंग वेरी नाइस सही है कमल ने रियली बहुत मेहनत की है मेरा ये मानना है कि अगर कैरेक्टर कुछ भी मिल जाए अगर एक्टर हैं तो हमें वो परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए बाकी लुक का तो वैसा कुछ नहीं है लुक हम ओरिजिनल जो है वो है ही अब नियाज सामने हो कौन लड़का नहीं प्रपोज कर देगा ऐसा कभी नहीं हुआ है नहीं मुझे किसी ने आज तक प्रपोज नहीं किया पहला इंसान है जिसने कर दिया बट ठीक है इट्स फाइन ठीक है नो आई थिंक मोर देन बीइंग अ गर्ल और बीइंग रूड एंड एरोगेंट इट डजंट हेल्प यू इन योर फील्ड राइट सो वेन एवर यू आर शूटिंग वेन एवर वी आर ऑन आर सेट इट इज़ नेवर माई एजेंडा टू मेक एनीबडी अनकम्फर्टेबल वेदर इट्स माई को एक्टर और समबडी फ्रॉम द क्रू टीम आई हैव नॉट बीन डिजाइन लाइक दैट आई डोंट फंक्शन लाइक दैट सो वेन आई सॉ हिम वो ऑलरेडी बहुत नर्वस था अभी मैं आती ना अपना वो पूरा एटीट्यूड लेके वो आई विल नॉट टॉक टू यू और एनी थिंग दैट वोंट हैव सर्व द पर्पज सो आई हैड टू अंडरस्टैंड दैट विद हिम I am also equally a part of that music video and I have to make my co-actor comfortable and not throw any tantrum or an attitude because wo video hi kharab jayega and that was never my purpose so it has always been my motive ek time tha jab main bhi nayi aayi thi I also was looking forward to shooting with good people aur thoda sa support aapko chahiye hota hai so when सामने वाले जो सीनियर्स आपको कंफर्टेबल कराते हैं इज ओनली व्हेन यू फील कि ओके यू नो आई एम फाइन बट सामने से जब वो स्मर्क्स और वो बहुत लोग होते हैं आपको दे डोंट गिव यू गुड वाइब्स ऑन अ सेट एंड इट्स डिफिकल्ट आई डिडंट वांट टू डू दैट टू हिम बिकॉज इट्स नॉट राइट इट इज़ नेवर राइट मेरे साथ भी बहुत चीज़ें हो सकती थी या होंगी आगे चल के और इस बात के लिए मैं निया को हमेशा अप्रिशिएट करूँगा हमेशा मैं नहीं यार मुझे नहीं पता कि मैं आगे लाइफ में कितना सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा लेकिन
मैं इस निया ने जिस तरीके से सपोर्ट किया तो मैं इसको मैं अपने लाइफ में हमेशा इस बात को हमेशा अप्रिशिएट करूँगा और इसकी बहुत इज्जत करूँगा. No, it was my job and I was getting paid for it. नहीं वो नहीं वो तो बात सही है लेकिन जब हमारा जो शूट वो है ना जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी तो जब मुझे कैंसिल करना पड़ा ये तो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी मैं बहुत डिप्रेस हो गया. मैं सब सोच के आया था ये शूट करना तो सारा कैंसिल. इसने कहाँ से मेरा फेस देख लिया होगा. इसने फट से मुझे SMS किया सर आप डोंट वरी हम लोग शूट खत्म करके जाएंगे यहाँ से टेंशन मत लो. तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ क्योंकि हाँ क्योंकि हमारा एक पार्टीशन होता है इसमें इतना करना है कि निया का SMS आया तब मैं रिलैक्स हुआ. फिर मैंने कहा चलो पैकअप करते हैं कल से शुरुआत करते हैं. I've taken back home everything. You know, the beautiful part was we shot in Vellore, जहाँ पे I think जब भी मैं कहीं जाती हूँ हम कहीं पे भी जाते हैं we demand is a 5-star hotel stay everything. अभी हम वहाँ पहुँचे there were motels. तो सर ने मुझे बोला बेटा एक ये है और एक ये है ये बेस्ट है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो. सो मैं थोड़ा सा I was taken aback. But when you looked at the I am glad that I didn't throw any tantrum. I did not feel disappointed and I did not say anything because when the next day came and when I saw जहाँ पे हम शूट कर रहे थे it was the authentic street of Vellore. वहाँ जब लोग इकट्ठे हुए छोटे छोटे बच्चे आए एंड यू नो द वे दे वेलकम्ड यू किसी ने बदतमीजी नहीं की दे वर जस्ट ऑल स्टैंडिंग बट रात तक देर वॉज लाइक 400 लोगों का क्राउड था छोटे छोटे बच्चे इतने से यू नो दे जस्ट वॉन्टेड टू कम एंड क्लिक अ पिक्चर विद यू.